गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे रीडिंग पैसेज अल्फर्ड नोबल, द मैन बिहाइंड द नोबल प्राइज। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो हैं 1 to 6, हमारे पास है 2/4 नॉट गिवन, एंड रेस्ट हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें नो मोर देन 2 वर्ड्स फिल करने हैं। तो हम 1 to 6 क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद हम पैसेज को रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नोबल प्राइज़ वॉज अवॉर्डेड इन 1895। नोबल प्राइज़ कब अवॉर्ड किया गया था? 1895 में। सेकंड, नोबल्स फादर्स वांटेड हिज सन टू हैव ए बेटर एजुकेशन देन व्हाट ही हैड। नोबल के फादर क्या चाहते थे कि उसके बच्चे को मीन्स कैसे एजुकेशन मिले, जिसे जैसे उसको नहीं मिली थी उससे भी अच्छी एजुकेशन मिले। थर्ड, नोबल वॉज एन अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन। नोबल एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन था। फोर्थ, बर्था वॉन स्टनर वॉज सेलेक्टेड बाय नोबल हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट पीस प्राइज। जो बर्था थी वो नोबल प्राइज के लिए, फर्स्ट शांति प्राइज के लिए सेलेक्ट हुई थी। नेक्स्ट है, नोबल फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ नोबल। नोबल फाउंडेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी? नोबल्स की डेथ के बाद। नेक्स्ट है, नोबल्स सोशल इन्वॉल्वमेंट वॉज अनकॉमन इन द 1800। नोबल की सोशल मीन्स सोशली जो इन्वॉल्व था उसमें वो अनकॉमन थी कब? 1800 में। अब देखो ये हमारे क्वेश्चन है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फर्स्ट से, पैसेज से। देखिए फर्स्ट पैसेज में क्या गिवन है, सिंस 1901 द अल्फर्ड द नोबल प्राइज हैड बिन होनरिंग द मैन एंड वुमेन फॉर ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड फॉर द वर्क इन पीस। 1901 के बाद नोबल प्राइज दिया जाने लगा किसको? मैन को और वुमेन को। किसमें? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए। किसके अंदर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, मेडिकल फील्ड, लिटरेचर एंड फॉर पीस, इन एरिया के अंदर ये दिया जाने लगा। द फाउंडेशन फॉर द प्राइज वॉज लेड इन 1895 व्हेन अल्फर्ड रॉबर्ट रोट हिज लास्ट विल। तब उन्होंने क्या लिखी? अपनी लास्ट विल लिखी, लिविंग मच ऑफ हिज वेल्थ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नोबल प्राइज। उसके बाद दिया जाने लगा कब? 1895 के बाद, फॉर द प्राइज। ठीक है, ये नोबल पुरस्कार 1895 के बाद दिया जाने लगा, जिसके अंदर उसकी सारी नोबल की सारी संपत्ति अल्फर्ड नोबल की मोस्टली उसकी किसमें जाने लगी? नोबल पुरस्कार की स्थापना में चली गई। इट मीन्स ये 1895 में तो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा? फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है? फर्स्ट पैसेज में ही है, यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब है नेक्स्ट पैसेज, बी पैसेज। बी पैसेज में हमारे पास गिवन है, अल्फर्ड नोबल वॉज बोर्न इन स्टॉकहोम ऑन October 21, 1833। हिज फादर वॉज इमैनुअल नोबल वॉज एन इंजीनियर एंड इन्वेंटर हु बिल्ट ब्रिज एंड बिल्डिंग इन स्टॉकहोम। अल्फर्ड नोबल का जन्म स्टॉकहोम में हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। उसके फादर क्या थे? एक इंजीनियर थे जिन्होंने काफ़ी इन्वेंशंस की थी और ब्रिज और बिल्डिंग्स बनाई थी। किसमें? स्टॉकहोम में। इन कनेक्शन विद हिज कंस्ट्रक्शन वर्क इमैनुअल नोबल वॉज आल्सो एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द ब्लास्टिंग रॉक। इसके साथ साथ नोबल किसके एक्सपेरिमेंट के कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ उसने डिफरेंट टेक्निक यूज़ की रॉक्स को ब्लास्ट करने की। सक्सेसफुल इन हिज इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस वेंचर, वो क्या थे? सक्सेसफुल थे किसमें? इंडस्ट्रियल और बिजनेस वेंचर में। इमैनुअल नोबल वाज एबल इन 1842 टू ब्रिंग हिज फैमिली टू सेंट पीटर्सबर्ग। वो अपनी फैमिली को कहाँ ले आए? 1842 में सेंट पीटर्सबर्ग में। देयर ही हिज सन वर गिवन ए फर्स्ट क्लास एजुकेशन बाय प्राइवेट टीचर। वहाँ पे उनके बेटे को फर्स्ट क्लास मतलब अच्छी एजुकेशन दी गई एक प्राइवेट टीचर के द्वारा। द ट्रेनिंग इंक्लूड नेचुरल साइंस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर।
वो क्या क्या रीड करते थे, नेचुरल साइंस को, लैंग्वेज में को और लिटरेचर को। बाय द एज ऑफ 17, 17 साल की एज में अल्फर्ड नोबल वाज फ्लुएंट इन स्वेडिश, रशियन एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन। 17 साल की एज में वो 5 लैंग्वेज में फ्लुएंट हो गए थे। वो कौन कौन सी सी थी? स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन। हिज प्राइमरी इंटरेस्ट वर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड पोइट्री एज वेल एज इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उसका बचपन से इंटरेस्ट किस में था? इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री में, उसके साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स में भी था। अल्फर्ड फादर, हु वॉन्टेड हिज सन टू ज्वाइन हिज एंटरप्राइज एज इन इंजीनियर, डिसलाइक अल्फर्ड इंटरेस्ट इन पोइट्री एंड फाउंड हिज सन रादर इंट्रोवर्ड। अल्फर्ड के जो फादर थे वो क्या चाहते थे कि उनका बेटा उनके इंजीनियरिंग प्रोफेशन को में उनकी हेल्प करे, उसको ज्वाइन करे। और उसके पापा नफरत करते थे किस चीज़ से, कि उसका बेटा क्या है, पोइट्री में इंटरेस्ट लेता है और एक इंट्रोवर्ड पर्सन है। इसमें तो आई थिंक कोई आंसर नहीं दे रखा। उसके बाद सी पैसेज रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू वाइडन अल्फर्ड होरिजन, हिज फादर सेंट हिम अब्रॉड फॉर फर्दर ट्रेनिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग। उसके पापा ने कहाँ पर भेज दिया उसको? केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेज दिया। ड्यूरिंग अ लास्ट ऑफ टू पीरियड, अच्छा यहाँ पे ना फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट हो गए बीच से ही। देखो एजुकेशन में क्या दे रखा है, हैविंग एक्यूमुलेटेड ए ग्रेट ग्रेट फॉर्चून इन हिज बिजनेस, नोबल फादर डिटरमाइंड टू गिव हिज सन द बेस्ट एजुकेशन एंड सेंट हिम अराउंड द वर्ल्ड टू ट्रेंड इन। किस में ट्रेंड होने के लिए भेज दिया था? केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। और वो उसका आंसर क्या है? सी पैसेज में है, तो यहीं पे टिक कर देते। ये जो केमिकल इंजीनियर है, ये 7th का आंसर है। उसके बाद ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 2 ईयर अल्फर्ड नोबल विजिटेड स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस एंड US। 2 साल के दौरान उसने 4 देशों की यात्रा की। इन पेरिस सिटी ही केम लाइक द बेस्ट, ही वर्कड प्राइवेट लेबोरेटरी एंड प्रोफेशनल टीजे ए फेमस केमिस्ट। पेरिस में की सिटी के अंदर ही केम टू लाइक बेस्ट, उसे बहुत अच्छा लगा, मतलब उसे बेस्ट ट्रीट किया गया। उसने एक प्राइवेट लैब के अंदर काम किया किसी प्रोफेसर के अंडर, जो और फेमस केमिस्ट बन गया। देर ही मेट द यंग इटालियन केमिस्ट एस्किनो सोब्रो, हु 3 ईयर्स अर्लियर हैड इन्वेंटेड नाइट्रोग्लिसरीन, ए हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड। वो वहाँ पर एक किससे, यंग इटालियन केमिस्ट से मिला, जिसने 3 साल पहले ही एक हाईली उसने नाइट्रोग्लिसरीन को इन्वेंट किया, जो कि काफ़ी एक्सप्लोजिव लिक्विड था। उसके बाद इसमें देखो 8th में क्या गिवन है, नोबल स्टडी इन पेरिस, ही वर्क प्राइवेट लैब व्हेन ही केम टू कॉन्टैक्ट विद ए यंग इंजीनियर, इंजीनियरिंग का नाम बताना है 8th में, एंड ही इन्वेंशन नाइट्रोग्लिस ए मोर पावरफुल एक्सप्लोजिव देन, किससे एक्सप्लोजिव था? 8th तो 8th का आंसर तो हमें मिल गया ऊपर। 8th का नाम तो क्या है, उसका नाम था एस्किनो, ये वाला जो आंसर है एस्किनो, ये हमारा 8th का आंसर बन जाएगा। उसके आगे गिवन है, बट ही इट वॉज कंसिडर्ड टू डेंजरस टू बी एनी प्रैक्टिकल यूज, ये बहुत खतरनाक था। ऑल्दो हिज एक्सप्लोजिव पाउडर ग्रेटली एक्सीड द ग्रीन गन पाउडर लिक्विड वुड एक्सपोर्ट इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर इफ सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, अगर उसमें हीट और प्रेशर के कॉन्टेक्ट में आता वो, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोइड था, उसका प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था वो कितना खतरनाक हो सकता था। तो किसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर नेक्स्ट का, किसकी कंपैरिजन में? गन पाउडर की कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सप्लोजिव था। अल्फर्ड नोबल बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग इन नाइट्रोग्लिसरीन एंड हाउ इट कुड बी प्रैक्टिकल यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। वो अल्फर्ड नोबल जो था नाइट्रोग्लिसरीन में काफ़ी इंटरेस्टेड था, और वो क्या करना चाहता था, उसको प्रैक्टिकल यूज़ करना चाहता था कंस्ट्रक्शन वर्क में। ही आल्सो रियलाइज दैट सेफ्टी प्रॉब्लम हैज़ टू बी सोल्व्ड, सेफ्टी की प्रॉब्लम से सोल्व की जा सकती थी, एंड ए मेथड हैज़ टू बी डेवलप्ड फॉर कंट्रोल डेटोनेशन ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन, और उसके नाइट्रोग्लिसरीन की डेटोनेशन को कंट्रोल किया जा सके, ऐसा मेथड उसको डेवलप्ड करना चाहता था। तो हमारे पास 9th का आंसर क्या होगा? गन पाउडर।
ठीक है, ये हो गए। अब हमारे पास टेंथ, देखते हैं टेंथ के लिए। देखो हमने सी पैसेज तक पढ़ लिया, सेकंड क्वेश्चन था जो हमारे पास, नोबल वांटेड हिज सन बेटर एजुकेशन देन व्हाट इट व्हाट ही हैड हैड, ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन नहीं दे रखी, तो सेकंड का आंसर भी क्या होगा हमारे पास, नॉट गिवन। अब आता है थर्ड, नोबल वॉज अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन। नोबल ये तो कहीं पर दे ही नहीं रखा, अनसक्सेसफुल है या नहीं अभी तक। तो अब फिलिंग द ब्लैंक्स भी रीड कर लेते हैं, आगे क्या गिवन है। बेनिफिट इन कंस्ट्रक्शन वर्क, क्या क्या, नोबल बिकेम रियली इंटरेस्टेड इन न्यू एक्सप्लोजिव एक्सपेरिमेंट ऑन इन बट नाइट्रोग्लिसरीन वाज टू डेंजरस टू बी बैंड फॉर द एक्सपेरिमेंट विद इन द सिटी, किसी सिटी में इसको बैन किया गया था। आगे रीड करते हैं डी पैसेज। After his return in Sweden in 1863, Alfred Nobel concentrated in developing nitroglycerin as an explosive. उसने अपना ध्यान किस पर केंद्रित किया, नाइट्रोग्लिसरीन पर, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव था। Several explosion including one in which brother Emil and several other person were killed, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर उसका भाई Emil और अदर persons मर गए थे। कंसीव द अथॉरिटी एंड नाइट्रोग्लिसरीन प्रोडक्शन वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस, तब उसकी अथॉरिटीज ने मीन्स गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि एक्सट्रीमली डेंजरस था। दे फॉरबोड द फर्दर एक्सपेरिमेंट विद नाइट्रोग्लिसरीन विद द स्टॉकहोम सिटी लिमिट, उन्होंने वहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन का प्रोडक्शन और उसके एक्सपेरिमेंटेशन को बंद कर दिया, उसको लिमिट कर दिया। अल्फर्ड नोबल हैड टू मूव द एक्सपेरिमेंटेशन टू अनदर बार्ज एंड चोर्ड ऑफ लेक मार्लन। तो उस हमारा जो टेंथ का आंसर है कि सिटी में बंद किया था स्टॉकहोम के अंदर, इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेंथ का आंसर क्या होगा, स्टॉकहोम। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है। सो नोबल हैव टू मूव एक्सपेरिमेंट टू लेक टू मेक नाइट्रोग्लिसरीन ईजिली यूजेबल, नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट अलोंग विद डायनामाइट का किसी के साथ किया, वाइल इन मीन टाइम बिकेम पॉपुलर, और कुछ ही समय में वो फेमस भी बन गया। चलो देखते हैं डी पैसेज के अंदर, आगे रीड करते हैं। अल्फर्ड नोबल वाज नॉट डिस्ग्रेस्ड एंड इन 1864 ही एबल टू स्टार्ट मास प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। अल्फर्ड नोबल ने मीन्स हार नहीं मानी और उसने क्या किया, उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया नाइट्रोग्लिसरीन का। टू मेक द हैंडलिंग ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन सेफर अल्फर्ड नोबल एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एडिटिव, उसको नाइट्रोग्लिसरीन को सेफ बनाने के लिए उसने काफ़ी एडिटिव यूज़ किए और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। ही सून फाउंड मिक्सिंग नाइट्रोग्लिसरीन विद किस घर वुड टर्न द लिक्विड इंटू ए पेस्ट विच कुड बी शेप्ड इंटू रोड ऑफ ए साइज एंड फ्रॉम सुटेबल फॉर इंसर्शन ऑफ इंटू ड्रिलिंग होल्स। उसने जल्दी उसने क्या किया, नाइट्रोग्लिसरीन को किस घल के साथ मिक्स करने पर एक लिक्विड है जिसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, पेस्ट में, उसको कोई भी शेप दी जा सकती है रोड के ऊपर, जो कि स्टेबल था ड्रिलिंग होल्स के अंदर एंटर करने के लिए, जिसको भरने के लिए। इन 1867 ही पेंटेड इज मेटेरियल अंडर द नेम ऑफ डायनामाइट, फिर उसने क्या किया, डायनामाइट के अंडर उसका नाम क्या दे दिया, डायनामाइट। ही एबल टू डिटोनेट द डायनामाइट रोड ही इन्वेंटेड ए डेटोनेटर मीन्स ब्लास्टिक है विच कुड बी इग्नेटेड बाय लाइटिंग ए फ्यूज, तो उसने उसका साथ किसका यूज़ किया था, डेटोनेटर का। दिस इन्वेंशन मेड हिम सेम टाइम एज फिनेटिक ड्रिल केम इन टू जर्नल यूज, टूगेदर दिज इन्वेंशन ड्रास्टिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग रॉक ड्रिलिंग टनल्स एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसके इन्वेंशन के बाद काफ़ी चीज़ों की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अब देखो टेंथ में तो हमारा यह आ गया, इलेवेंथ में क्या आएगा, इलेवेंथ में आएगा डिटोनेटर, उसका यूज़ उसने किसके साथ किया था, डायनामाइट के साथ, और सेम टाइम में क्या हो गया था, क्या चीज़ आई थी, फिनेटिक ड्रिल। ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ट्वेल्थ का आंसर। ये
ये जो मैट्रिक ड्रिल है ना, ये किसका आंसर है, 12th का। उसके बाद और क्या चीज़ डिक्रीज हुई थी, कॉस्ट हुई थी ना उसकी, ये 13 का आंसर है। तो यहाँ तक हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स तो आ गए, ठीक है। अब हमारे पास रहते हैं दो पैसेस, चार ई पैसेज में क्या गिवन है। द मार्केट फॉर द डायनामाइट एंड डिटोनेटिंग कैप्स ग्रू वेरी रिपीडली। इसकी मार्केट किसकी, डायनामाइट की और डिटोनेटिंग की, क्या हुई थी, बहुत जल्दी इंक्रीज हुई थी। एंड अल्फ्रेड नोबल प्रोवाइड हिमसेल्फ टू बी स्किलफुल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। और अल्फ्रेड नोबल क्या प्रूव हो गया था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। Over the years of founded factories and laboratories in save 90 different places in more than 20 countries. ना 20 देशों में 90 locations के ऊपर से अपनी lab और factories establish की थी। तो एक आंसर आ गया यहाँ पे कि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन था, ठीक है। और ये किसका आंसर है, देखते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड था ना, नोबल वॉज अनसक्सेसफुल, बल्कि वो तो क्या था, सक्सेसफुल था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, थर्ड का आंसर है ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैसेज में रीड करते हैं अब, क्योंकि इसमें एक आंसर तो आ चुका। इंसेंटिव वर्क एंड ट्रैवल डिड नॉट लीव मच टाइम फॉर प्राइवेट लाइफ। एट द एज ऑफ 43 ही फीलिंग लाइक एन ओल्ड मैन, क्योंकि वो 43 एज में उसे फील हुआ कि बुढ़ा हो चुका। एट द टाइम ही एडवर्टाइज द न्यूज़पेपर, वेल्दी हाईली एजुकेटेड एल्डरली जेंटलमैन सीक्स द लेडी ऑफ मैच्योर एज। उसने इस एज के अंदर क्या किया, न्यूज़पेपर में एड डाली कि एक वेल्दी और एजुकेटेड जेंटलमैन मीन्स अमीर आदमी और वेल एजुकेटेड किसकी तलाश कर रहा है, एक लेडी की जो मैच्योर एज में हो, वर्ड इन लैंग्वेज एज सेक्रेटरी एंड सुपरवाइजर ऑफ हाउस होल्ड। उसने किसके लिए, घर के कामों के लिए सुपरवाइजर भी हो और सेक्रेटरी का काम भी करे। द मोस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट टर्न टू बी एन ऑस्ट्रेलियन वूमेन, जो भी वो होगा, जो भी क्वालिफाइड लेडी मिलेगी वो क्या होगी, ऑस्ट्रेलियन वूमेन होगी। काउंटलेस बर्थ किन्स किसका, आफ्टर वर्किंग ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ नेबल शी डिसाइडेड टू रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया टू मैरी काउंट ऑथर वॉन शटनर। ऑस्ट्रेलिया में कुछ काम करने के बाद कुछ ही टाइम में वह कहाँ पर आ गया, ऑस्ट्रेलिया में। उसने शादी कर ली किसके साथ, शादी करने का डिसाइड किया काउंट ऑथर वॉन शटनर के साथ। इन स्पाइट ऑफ दिस अल्फ्रेड नोबल एंड बर्था वॉन शटनर रिमेन फ्रेंड। इसके बाद वो क्या रहे, शादी के बाद वो क्या रहे, फ्रेंड रहे। एंड कैप्ट राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर फॉर डिकेड्स, और कई दशकों तक, 10 सालों तक वो क्या रहे, एक दूसरे को लेटर लिखते रहे। ओवर द ईयर बर्था वॉन शटनर बिकेम इंक्रीजली क्रिटिकल टू आर्म रेस। शी रोट ए फेमस बुक, उसने एक बुक लिखी, ले डाउन योर आर्म्स एंड बिकम से प्रोमिनेंट फिगर इन पीस मूवमेंट, उसने इस बुक को लिखा। नो डाउट दिस इन्फ्लुएंस्ड अल्फ्रेड नोबल व्हेन ही रोट हिज फाइनल विच वाज इंक्लूड ए प्राइज फॉर पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन हु प्रमोटेड पीस। इस बुक के इन्फ्लुएंस से उसने भी फाइनल क्या लिखा, कुछ इंक्लूड कि प्राइज के बारे में जो लोगों को दिया जाता शांति, जो शांति से रिलेटेड उसके बारे में लिखा। सेवरल ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल की डेथ के बाद नॉर्विंग स्टार्टिंग पार्लियामेंट डिसाइडेड टू अवार्ड नोबल पीस ऑफ प्राइज ऑफ बर्थ वुमेन शटनर। प्राइज उसकी डेथ के बाद नोबल प्राइज किसको दिया गया, पीस में, प्राइज टू बर्थ वॉन शटनर। अब देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड था तो क्या किया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बर्थ वुमेन वॉज सेलेक्टेड नोबल हिमसेल्फ, अपने आप को सेलेक्ट किया फॉर द फर्स्ट पीस प्राइज, बल्कि तो गलत सोसाइटी ने किया था ना। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। उसके बाद नोबल फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ नोबल, ये अभी गिवन नहीं है, देखते हैं आगे। तो अब इसका आंसर फोर्थ का आंसर, यहाँ पे किसका आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद दो पैसेज रहते हैं, जी पैसेज में गिवन है हमारे पास। अल्फ्रेड नोबल डाइड इन सैम रेमो इटली ऑन दिसंबर
10, 1896। अल्फर्ड नोबल कब डाई हुआ था? December 10, 1896 को। कहाँ पर? इटली में। व्हेन हीज विल वाज ओपनड, इट जब उसकी वो विल खोली गई, केम टू ए सरप्राइज दैट हिज फॉर्चून वाज टू बी यूज्ड फॉर प्राइज इन फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। उसकी जो भी पैसे वगैरह थे, उसकी जो भी संपत्ति थी, वो किसके लिए यूज़ की जाए? फिजिक्स केमिस्ट्री साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में अवार्ड, लिटरेचर एंड पीस, इन सारे छः फील्ड में अवार्ड देने के लिए। द एग्जीक्यूटर ऑफ हिज विल वर टू यंग इंजीनियर, उसकी विल को एग्जीक्यूट करने वाले दो इंजीनियर थे, राजनर एंड रोडल्फ। दे सेट अबाउट फॉर्मिंग द नोबल फाउंडेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक केयर ऑफ द फाइनल असेट्स लेफ्ट बाय नोबल फॉर हिज पर्पज एंड टू कोऑर्डिनेट वर्क विद प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। उसकी डेथ के बाद उन्होंने एक फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खोला जो उसकी फाइनेंशियल असेस्ट को की टेक केयर भी कर सके और नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सके उसी जैसा वो चाहता था और कोऑर्डिनेट कर सके प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन के साथ। देर वॉज नॉट विदाउट हिज डिफिकल्टी सिंस द विल वॉज कॉन्टेस्टेड बाई रिलेटिव एंड क्वेश्चन बाई अथॉरिटी इन वेरियस कंट्रीज। उसके बाद वो इस फील्ड में काफ़ी सारे प्राइज देने दिए जाने लगे, है ना। तो इसका आंसर क्या, जो फाउंडेशन वाला आंसर है ना, वो हमारा ट्रू हो जाए। वो किसका आंसर है? फिफ्थ का, जिसकी डेथ के बाद ही तो स्टार्ट हुआ था। देखो, नोबल फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डेथ। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? ट्रू। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। एच पैसेज, अल्फर्ड नोबल ग्रेटनेस ले इन द एबिलिटी टू कंबाइन द पेनिट्रेटिंग माइंड ऑफ द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर विद द फॉरवर्ड लुकिंग डायनामिज्म ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। नोबल वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल एंड पीस रिलेटेड इश्यूज। नोबल इसमें इंटरेस्टेड थे सोशल एंड पीस रिलेटेड इश्यू में। एंड हेल्ड वर कंसिडर्ड रेडिकल व्यूज इन हिज एरा, और उनके रेडिकल व्यूज थे इस फील्ड के अंदर। ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड रोट हिज ओन पोइट्री। उनका लिटरेचर में अच्छा इंटरेस्ट था, उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी एंड ड्रामेटिक वर्क उसमें काफ़ी सारा अच्छा काम किया। नोबल बिकेम्स एन एक्सटेंशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ हिज लाइफ टाइम इंटरेस्ट। नोबल प्राइज को एक्सटेंड किया गया और फुलफिलमेंट किसके लिए? लाइफ टाइम इंटरेस्ट के लिए। नोबल सोशल इन्वॉल्वमेंट वॉज अनकॉमन इन 1800। उसका 1800 की एज में उसका अनकॉमन था, क्योंकि तब तक उसके एस्टेब्लिशमेंट तो हुई नहीं थी, इसलिए अनकॉमन ही रहेगा। सोशल इन्वॉल्वमेंट वॉज अनकॉमन, कॉमन तो नहीं थी ना, अनकॉमन ही थी, क्योंकि 1800 में तो वो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? लास्ट वाली, सिक्स्थ क्वेश्चन वाली, ट्रू। ठीक है, तो देखो ये था हमारा होल पैसेज, अल्फर्ड नोबल। आई थिंक इट इज़ नॉट टफ, यू कैन डू ऑल 13 क्वेश्चन करेक्टली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।